आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। भाई पलसानिया और कलानिया जी के देवतीय जाट पार्लियामेंट के उपस्थित बहुत ही आदरणीय मंच पर उपस्थित चौधरी वीरेंद्र सिंह, किसान और मजदूर नेता, हमारे बीच में दिल्ली से पूर्व मंत्री योगानंद शास्त्री जी, भाई अभय सिंह चौटाला जी, सम्मानित मंच, देश और दुनिया के कोने कोने से आए किसान सरदारी, सबसे पहले तो मैं अपने दोनों युवा साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने पूरे समाज को, चाहे दुनिया के अंदर कहीं भी रहे, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, 130 देशों के चलो नहीं है आ रही आवाज, हेलो, 130 देशों के तमाम भाइयों को यहाँ इकट्ठा करने का जो काम किया, तो मैं मुबारकबाद देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। और हम दुनिया में कहीं भी रहे, ये जो हमारा खून का जो रिश्ता है, ये अपने आप हमारे को यहाँ खींच लेता है। जो मिशन को लेकर नौजवान साथियों ने जो पहल करी, ये बहुत बेहतरीन कार्य किया है। इस समाज को जोड़ने के लिए जो किसी न किसी रूप में हमारे अंदर जो एकता, जो एक पहचान, जिस प्रकार मंच के माध्यम से पहले बताया था कि हमारे समाज के अंदर जो एक बिखराव, चाहे किसी भी क्षेत्र के अंदर, चाहे राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, जो नेतृत्वहीन जो समाज बनता जा रहा है, हमने इसको रोकने का सिर्फ एक रास्ता है कि सबसे पहले हम एकजुटता के साथ एक दूसरे की मदद करना सीखे, आज से प्रेरणा लेके जाए, बहुत जरूरी है। हमारे समाज में जब जब जाट की तो पहचान होती थी, जब वो ट्रेन के अंदर जाता था, किसी बहन बेटी जो दूसरी बैठी थी, वो अपने आप को पुलिस से भी ज्यादा सुरक्षित समझते थे कि उस ट्रेन और बस के अंदर जाट बैठा, ही हमारी पहचान थी। उस इतिहास को दोबारा हासिल करना, और वो हासिल कैसे होगा, सिर्फ एक ही रास्ता है, बगैर एजुकेशन के नहीं हो सकता। अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी तालीम दें और एक दूसरे का सहयोग करें। लेकिन हमारे समाज के अंदर से एक सबसे बड़ी, मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं है, कि हम एक दूसरे की टांग खींचने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। बोले फलाने का लड़का फौज में कैप्टन बन गया, बोले बन गया होगा इसका बाबू, हमने काम में मेंबर नहीं बन दिया। चेंज आवर थॉट, हमने अपने विचार को बदलना, अपनी सोच को बदलना होगा। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, जो अपने समाज का नहीं, मैं कहता वो किसी का नहीं, इसलिए जरूरी है हम सब मिलके किसी भी रूप में, जो हमारे भाई हैं, दूसरे जो बच्चे को आगे बढ़ना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, अच्छी नौकरी लगना चाहते हैं, अच्छा खिलाड़ी बनना चाहते हैं, वो किसी भी प्रकार की उनके पास साधन की कमी है, किसी प्रकार की कमी है, तो हम जो पूरा समाज बैठा है, हमारा भी कर्तव्य बनता है हर मोड़ के ऊपर उनका सहयोग करना, आगे बढ़ाना, एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे तो दुनिया की में पुनः वही मुकाम हासिल होगा। आज इंटरनेशनल कंप्यूटर, इंटरनेट का जमाना है, साइंस का जमाना है, और जिस प्रकार गूगल के अंदर हमारे जो बच्चे ने पूरे वर्ल्ड के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है, हमारे यहाँ दिमाग की कोई कमी नहीं थी, लेकिन व्यवस्था की कमी होने के कारण, हम एक दूसरे के अंदर फूट डालने के कारण हम पिछड़ते चले गए। तो आज से ही इस मंच का असली मकसद, आज से ही ये प्रेरणा लें कि हम सब एक भाई, सब मिलके इकट्ठे होके समाज की लड़ाई को लड़ेंगे। जो भी भाई तकलीफ में, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लेके हमारे बीच में आएगा, तो उसकी समस्या का समाधान करेंगे, एक बेहतरीन समाज बनाने के लिए। जब जब इस देश के ऊपर, ये हमारा सौभाग्यशाली, हमारा DNA है, जब जब समाज के ऊपर, देश के ऊपर आपत्ति आई, तो सबसे ज्यादा कुर्बानी इस देश की रक्षा करने के लिए हमारे समाज ने आगे बढ़ के, चाहे खेलों का मामला हो, चाहे देश की बोर्ड की रक्षा की बात हो, तो राजनीति के क्षेत्र में भी हमारी भागीदारी। चौधरी छोटू राम ने कहा था, अरे भोले किसान दो बात मान ले, एक बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान ले, और तीसरी बात उन्होंने एक और भी कहा था कि राजनीति के अंदर अपनी भागीदारी जरूर होनी चाहिए। जहां कानून बढ़ता है, जहां अधिकार चलता है, उसके अंदर आपकी भागीदारी होनी चाहिए, वो जरूरी है। और वो होगी जब जब आपका इखलास होगा, हम एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेरी
तमाम जो हमारे नौजवान साथी हैं, इन्होंने जो प्रयास करा है, इनको मुबारकबाद देता हूं। और ये भी विश्वास दिलाता हूं, जहां जहां भी समाज को जरूरत पड़ेगी, तन से मन से धन से समर्पित होकर इस समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। समय का अभाव है, कहने को तो बहुत कुछ था। मैं तमाम पुणे, तमाम जाट सरदारी का और मेरे नौजवान साथियों का पुणे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।